हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीड एंड लीड डिफेंस स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें दोस्तों कुछ न्यू वैकेंसी आई हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कंप्लीट जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिस तरीके से दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो भर्ती आई है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल डिप्टी कमांडेंट इन आईटीबीपी 2019। सबसे पहला दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, और किसी वेबसाइट से दोस्तों आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि दोस्तों आपको यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अब इसकी जो है ऑनलाइन डेट क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन डेट है इसकी आज से ही स्टार्ट हो गए हैं। ये फॉर्म 20 तारीख 8 महीना 2019 से दोस्तों स्टार्ट हो गई हैं, जो दोस्तों चलने वाले हैं आपके 18 तारीख 9 महीना 2019। दोस्तों 18 तारीख तक दोस्तों अगले महीने की 18 तारीख तक यह फॉर्म चलने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको पहला बता दूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले जो इसमें आपकी हाइट चाहिए, हाइट आपकी मेल कैंडिडेट की जो हाइट चाहिए 1.65 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की 1.57 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और जो मेल कैंडिडेट का चेस्ट होना चाहिए वह 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फुलाने के बाद दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। दोस्तों फेसबुक में आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल ही होना है। फिजिकल में दोस्तों आपकी 100 मीटर की रेस होगी पहला, जो आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को दोस्तों कंप्लीट करनी होगी 20 सेकंड में। उसके बाद दोस्तों आपकी जो है 800 मीटर रेस होगी, जो आपको 4.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर, 3 चांस दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, 3 मीटर लॉन्ग जंप है जिसको दोस्तों आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो है एक गोला पैच चक्का पैक होता है जो कि आपको 7 किलो 26 ग्राम का होगा दोस्तों, जो आपको 4.5 मीटर फेंकना, जिसके लिए दोस्तों आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम का सिलेबस दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिलेबस दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, और दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया, पेपर 2 होंगे इसमें, 100 नंबर का दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। 102 नंबर में दोस्तों आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो आपका कोर्स के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग मांगा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं दोस्तों आप इसमें किस बेस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि दोस्तों आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री की हो, उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट की है लॉ में दोस्तों, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों इसमें 40 साल है, 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो एज की गणना होगी वह 18 तारीख 9 महीना 2019 से होगी। और दोस्तों एससी एसटी को इसमें कुछ छूट भी दी गई है 5 साल की, और ओबीसी एनसीएल 3 ईयर की दोस्तों इसमें छूट दी गई है। यदि दोस्तों आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप जो है हाइट भी देख सकते हैं, 1.65 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, 1.57 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की, 81 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए। यदि दोस्तों आपका भी कोई डाउट हो बचा हो तो कमेंट करना, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप जो है टोटल पोस्ट देख सकते हैं, जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों आपको डरना नहीं है, यहाँ पर आपको टेंशन लेने बात वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको जो पोस्ट चाहिए सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, आपको जो सिलेक्शन लेना है सिर्फ एक ही पोस्ट पर लेना है, बाकी अदर पोस्ट आपको कुछ नहीं लेना है। यहाँ पर दोस्तों टोटल पोस्ट हैं 6, और दोस्तों अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के जो जनरल वाले बंदे आते हैं छूट दी गई है जिनको 10% की, दोस्तों उनके लिए भी दोस्तों एक पोस्ट यहां पर रखी गई है। दोस्तों जो पोस्ट का नाम है डिप्टी जज अटॉर्नी जनरल डिप्टी कमांडेंट, पोस्ट का नाम रखा गया है, यानी पोस्ट का नाम आप यहां पर देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको आईटीपी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना, और दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।